सकते। बीजो एक अगत्यनो निर्णय कर्यो छे के अमारी ध्यान उपर आव्यु छे, अमारी चर्चा में पण आ विषय आव्यो छे के केटलीक खानगी हॉस्पिटलों केटलाक दर्दीओने बिनजरूरी रीते जरूर न होवा छता लाबा समय सुधी हॉस्पिटल में दाखल करी राखे छे। कोईनो मेडिक्लेम होय एटले ए व्यक्ति ने पैसा चूकवाना ना होय एटले डॉक्टर नी सलाह थी ए दाखल रहे छे। हॉस्पिटल एम समझे कि आ दर्दी ने पैसा चूकवाना नथी, मेडिक्लेम माथी पैसा आवाना छे, एटले हॉस्पिटल बिनजरूरी रीते ए दर्दी दाखल करवा योग्य न होय, जरूरी न होय तो पण हॉस्पिटल में दाखल करी अने एना बिल बनावे छे। एवी रीते जाहिर क्षेत्रनी कंपनीओ बीजी मोटी कंपनीओ जे एना कर्मचारीओने आवी कोई बीमारी दरमियान सारवार लीधी होय तो एनो सारवारनो खर्चो ए कंपनीओ आपे छे। आपणो वडोदरा शहेरनो जिल्लो आवी अनेक कंपनीओ वाळो जिल्लो छे कि ज्यां कर्मचारीओ काम करता होय ए बीमार पड़े तो एनी सारवारनो खर्चो रीएम्बर्समेंट तरीके तो थयेला खर्च तरीके ए कंपनीओ चूकवती होय तो ए व्यक्तिओने पण बिनजरूरी रीते फक्त बिल मोटू बनावा माटे बधी हॉस्पिटलोने ई वात नत करतो पण केटलीक हॉस्पिटलो केटलाक डॉक्टरो बिनजरूरी रीते आवा લોકોને દાખલ કરતા હતા એના કારણે આ હોસ્પિટલોની જરૂર વગર જગ્યાઓ પથારીઓ એ ભરાયેલી રહેતી હતી અને આંકડો એવો પ્રસિદ્ધ થાય કે વડોદરામાં કે અન્ય બીજા કોઈ શહેરમાં આટલા દર્દીઓને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલા રાખવા પડ્યા છે। ખરેખર જરૂર ન હોય પણ દર્દીને પૈસા ચૂકવવાના નથી, હોસ્પિટલને આવક થાય છે એટલે બિનજરૂરી રીતે दर्दी परेशान थाय एना घरवाला चिंतातूर थाय के मारा सगन संबंधी मारा माता पिता दीकरा ने हॉस्पिटल में दाखल कर्या ए चिंता करता होय पर खरेखर दाखल करवा पात्र दर्दी ज न होय। बिल्कुल घरे होम क्वारंटाइन थई सके सामान्य प्रकारनी लक्षणों धरावतो दर्दी होय पण